रैगिंग। रैगिंग शब्द का मतलब बोलने से समझाया नहीं जा सकता। रैगिंग शब्द के पीछे छिपा वो डर, वो भयावहता, वो सहमी आवाज, इसको केवल महसूस किया जा सकता है। रैगिंग एक शिक्षित समाज पर कलंक समान है। यही डर, अपमान, व्यंग, जिसके कारण न जाने कितने ही मासूम अपनी जान गवा बैठते हैं। ए, कोई बैठेगा नहीं, खड़े रहो सब लोग। जानते हो हम लोग कौन है? सीनियर्स हैं तुम्हारे, चल अपना इंट्रो दे। रितु शर्मा। रितु शर्मा, तेरी आवाज तो बड़ी अच्छी है, चल एक गाना सुना दो। क्यों गाऊं मैं गाना? अच्छा तो तू गाना गा के नहीं सुनाएगी? सीनियर से बात करने की तमीज नहीं है तुझे? अरे इस आइटम को तो बाद में देख लेंगे। सुनो यार, ये जूनियर ना मेरी निगाह में चढ़ चुकी है, इसने सबके सामने मुझे गाने से मना कर दिया। इसे इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। अरे मैंने पता किया है इसके बारे में, 12th की टॉपर रह चुकी है ना, इसलिए ज्यादा मनानी बनी घूम रही है। यार पहले कुछ ऑर्डर करते हैं फिर देखते हैं। क्या हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार, मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी दीदी इसी कॉलेज में थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि कॉलेज में ये सब होता रहता है, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ ज्यादा हो रहा है तो हम टीचर से चल के बात कर सकते हैं। शायद मुझे ऐसे ही करना चाहिए। लेट्स गो। सुन बे पड़ाकू की औलाद, खुद को बहुत बड़ी तोप समझती है,
हमारी शिकायत करेगी? अगर शिकायत करने की सोची भी ना तो तेरा वो हाल करेंगे। अभी तो हमने 10% भी नहीं किया है, याद है ना फोटो जो हमने खींचा था? बस 2 सेकंड लगेंगे वायरल होने में। तेरी भलाई इसी में है, जो हम बोले वो तू कर। ये ले पकड़। बैठे हो यहाँ पर क्या करके बैठे हो, कुछ पता भी है? खुद के मजे के लिए उसका इतना मजाक बनाया, उसे इस हद तक सताया कि वो सुसाइड करने पर मजबूर हो गई। की बात कर रही है यार, वो ओवर स्मार्ट फ्रेशर। सही है, दिक्कत तो यही है ना कि तुम लोगों को हर चीज मजाक लगती है। पर एक बार उसके बारे में तो सोचा होता, जिसने तुम्हारी इन हरकतों की वजह से खुद की जान ले ली। अब अगर आपको मैं थोड़ी भी शर्म बाकी है ना, तो जाओ और देखो जाकर उसे MI रूम में रखा गया है। लो, अब तुम्हें उसके जिंदा होने में भी हैरानी हो रही है? होगी भी क्यों ना, तुम लोगों ने तो वैसे भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी ना। हाँ, जिंदा हूं ना मैं, और हूं भी तो सिर्फ दीदी के कारण। को ये क्या कर रही हो तुम, नीचे आओ। वरना आप लोगों की वो सारी बातें, मेरा मजाक उड़ाती हंसी, इन सब ने मुझे इतना परेशान कर दिया था कि मैं अपने मम्मी पापा को भी कुछ बोल ना सकी। मजाक को ना सिर्फ मजाक ही रहने दो, ना कि अपने घटिया से मजाक का किसी को शिकार बनाओ। कैसा मजाक है ये, जिसमें आप लोग पहले हंसते हैं और फिर ना जाने मुझ जैसे कितने मासूम अपनी जान दे देते हैं। आज जो मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहती कि किसी और के साथ ऐसा हो। इस भयानक मजाक को अब पूर्ण विराम देना बहुत आवश्यक है। हमें सहना नहीं, लोगों को समझाना है।